नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कैंडिडेट बेगूसराय से गिरिराज सिंह, वो आज सरेंडर करेंगे। जी हां, सोच रहे होंगे आप कि आखिर वो सरेंडर क्यों करेंगे। तो भड़काऊ भाषण मामले में और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उन पर केस दर्ज हुआ था, वही सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते अब सरेंडर तक पहुँच चुका है। गिरिराज सिंह आज सीजेएम कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे हैं। आपको बता दें, गिरिराज सिंह पर मामला दर्ज हुआ था। दरअसल उन्होंने बेगूसराय में अपने एक बयान में कहा था कि 3 गज कब्र भी नसीब नहीं होगी, आपको वंदे मातरम और भारत माता की जय कहना होगा, इस तरह के बयान उन्होंने दिया था। वो दौर था जब बेगूसराय में चुनाव प्रचार चल रहा था, अमित शाह भी पहुँचे हुए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के सामने वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, बेगूसराय में जनता को बता रहे थे कि आखिरकार वो कन्हैया कुमार और जो भी भाजपा के विरोधी ताकतें हैं उनको वोट नहीं करें और बीजेपी को वोट क्यों करें। गिरिराज सिंह ने चुनाव के दौरान कई ऐसे बयान दिए। एक उनका बयान था कि हरे झंडे को बैन किया जाए, और उसके बाद उनका एक बयान आता है कि 3 गज ज़मीन जो है ना वो कब्र की नसीब नहीं होगी, जो वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं कहेगा। इस तरह से मीडिया के बातचीत में वो कई बार वो इस तरह के बयान देते हैं नज़र आए, पोलराइज करने की पूरी कोशिश हुई बेगूसराय में वोट को। और आखिरकार 29 अप्रैल को बेगूसराय में चुनाव हो गए हैं, अब 23 मई का इंतज़ार है कि 23 मई को नतीजे आएंगे तो क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल गिरिराज सिंह को आज सरेंडर करना है बेगूसराय के सीजेएम कोर्ट में। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हम आपको इस खबर पे आगे भी अपडेट देते रहेंगे। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।